दोस्तों ये बजाज डिस्कवर बाइक का ये चक्का है और इसका हम ब्रेक शूज के बारे में कुछ जानकारियाँ देने वाले हैं कि जैसा कि इसका कैम बिल्कुल टॉप पर है जो कंपनी से दिया रहता है उसी तरीके से ये कैम है और इसका ब्रेक शू बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कैम है ये पूरा यहाँ तक आ जाता है, टाना रख के पास आ जाता है। तो बात ऐसा है कि अंदर वाला जो इसका ये सीट होता है, ड्राम होता है, ये हल्का खाया हुआ है। तो इसके लिए इससे पहले कल ब्रेक शू को चेंज भी किया था, देख सकते हैं ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा दिन हुआ है लगाने से अभी, और यही यानी यही 2-4 महीने कम से कम हुआ है, जबकि 8 महीने साल भर से कम तो चलना ही चाहिए एक साल ब्रेक शू। लेकिन इसका अगर ये भी देखा जाए लेदर, तो लेदर भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। तो मेरा इरादा है कि मैं इसे अभी इसे रिपेयर करूं और कुछ दिन इसे और भी 3 महीने तक इसे चलाऊं। कुछ भाई करते हैं कि इसका जो कैम है ये एडजस्टिंग करके इसको पीछे कर देते हैं, लेकिन पीछे करने के बाद प्रॉब्लम आता है कि जब हम इसे पीछे करते हैं, मैं आपको बता दूँ, तो अगर इस कैम को आप पीछे करते हैं और इस फिर आप इसको ब्रेक लगाएँगे तो ये चीज़ें जो है ये कैम ये इस तरीके से हो जाता है, ये फंसने का चांस रहता है, ये फंस जाता है आपस में, तो इससे एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। तो हम ये काम नहीं करने वाले, आज दूसरा काम करेंगे। तो करना ये है कि इस ब्रेक शू को खोल के हमें इस तरीके से हमें ब्रेक शू निकालना है बाहर, और हम इस साइड में एक तार लगाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत सारे भाई जानते भी हैं इस तरीके को, जो नहीं जानते हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी काम का होगा। तो हमारे पास ये तार है, आप चाहे तो छड़ बांधने वाला जो तार होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी छड़ बांधने के लिए है, ज़्यादातर छड़ में इसे काम में नहीं लाता है क्योंकि ये महंगा पड़ता है। तो इस तार को हम इस तरीके से लपेटेंगे, तो ये तार इस तरीके से मैं लपेटना है। अगर आप कस्टमर है, मैकेनिक के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो घर बैठे ही ये काम कर सकते हैं बिल्कुल। इसके लिए सिर्फ आपको चक्का खोलने की ज़रूरत है, 17 नंबर पाना और 14 नंबर चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी 17 और 14 का रेंज होता है बजाज बाइक में, उससे आप चक्का खोल के डायरेक्ट अपने हाथों से इसे काम कर सकते हैं। इसको इस तरीके से खींच के हमें इसमें लगाना है। अब देखते हैं इसमें लगा के क्या ये लगता है कि नहीं लगता है। अगर ये इसमें नहीं लगेगा तो हमें इस तार को खोलना होगा, क्योंकि ज़्यादा घिसने के बाद ये लगाना होता है, और अभी उतना ज़्यादा नहीं घिसा है, मैं फिर भी इसे लगा रहा हूँ। तो ये इसके अंदर आ गया, अब देखो ये काम कहाँ तक आया। पहले ये कैम यहाँ तक आ रहा था और अभी ये 1 इंच के बराबर पीछे हो गया।
तो इससे फ़ायदा हमारा ये हुआ कि ये जो कैम है, हमारा कैम भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब इसे हम पीछे करते हैं तो इससे हमारा कैम ख़राब होता है। जितना आप इसे यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये कैम का घाट खाएगा। लेकिन इधर देने के बाद ये कैम अब थोड़ा सा ही कैम हम को खींचेंगे ब्रेक को, और ये ब्रेक शू काम करेगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, हमें कैम पीछे करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर आप चाहे तो एक 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 दांत कर भी सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जितना हमें करना था उतना हमें अब नहीं करना होगा। अगर वो तार नहीं देते तो हमें इस कैम को यहाँ तक लाना होता है। अभी अब ये है कि 3 महीना 4 महीना इसे आराम से खींच सकता है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर तार देने से प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसे कैम को पीछे करते तो प्रॉब्लम है, लेकिन इस तार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि मेरी बात आप समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।